हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे रेड चटनी, लहसुन की चटनी। तो ये कोई भी चाट में यूज़ होती है, तो ये बहुत ही अच्छी होती है। और इसके लिए क्या क्या चाहिए चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लहसुन चाहिए, आपको 1/4 कप आपको लहसुन चाहिए होगा, और 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ये आपको कलर के लिए यूज़ करना है, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और सॉल्ट टू टेस्ट, और नमक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बस इतनी से इंग्रेडिएंट्स में आपका बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे जार ले लिए, तो इसमें हम लहसुन डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और सॉल्ट डाल देंगे। और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हल्की ग्राइंड कर लेंगे। सकते हैं ये ग्राइंड करके तैयार हो गई है, और कितनी बढ़िया बनी है। और इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी बनती है। और कोई भी आप चाट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका इस्तेमाल कोई भी चाट में आप यूज़ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं सेव पूरी बनाऊँगी तो मैं इसे यूज़ करूँगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।